हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का उपमा। ये बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आप चाहें तो इसे डेली भी बना सकते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने घी को गर्म कर लिया था, उसमें मैंने थोड़े से राई के दाने डाले हैं और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। प्याज फ्राई करने के बाद पतले पतले आलू जो मैंने काटे हैं उनको डाल लिया है और थोड़ा सा नमक मिर्च डाल करके मैंने इनको मिला लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको ढक करके पका लूंगी जिससे कि आलू पक जाए। आलू पकने के बाद मैं टमाटर डालूंगी, उसके बाद डालूंगी थोड़ा सा नमक और टमाटरों को भी अच्छे से पका लूंगी। टमाटर पकने के बाद मैं डालूंगी इसमें भुनी हुई सूजी जिसको मैंने ऑलरेडी से भून के रख लिया था। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी मिला लूंगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, जितना गीला या सूखा आपको बनाना है। मुझे उपमा एकदम बहुत सूखा पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादा पानी रखती हूँ, अदरवाइज आप कम पानी रखें तो आपका सूखा सूखा उपमा बनेगा। और आप देख सकते हैं उपमा बन करके एकदम रेडी है। आप चाहे तो इसमें अपनी मनपसंद सब्जी भी डाल सकते हैं। मोदी जी के भक्त है मेरे लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय गाइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू? तुम्हारा हाय गाइस होस्ट का फेमस, सबको बहुत पसंद है, ऐसे ही बोला करो। मैं नाश्ता पानी करके पूजा पाठ करके बैठ गई हूँ और यहाँ पर सुबह से ये जो इलेक्शन वाला रिजल्ट आ रहा है वही चल रहा है टीवी पे। कुछ और एकदम कब्जा कर लिया गया है, कुछ और नहीं चल रहा है टीवी पे, कार्टून भी नहीं इवन। सो अब ये देखते हैं कब तक चलेगा। अभी इनको काम से भी जाना है बट ये जा नहीं रहे हैं। इनको बड़ी मजा आ रही है, एंजॉय कर करके रिजल्ट एंजॉय कर रहे हैं अपना। कुछ कुछ रिजल्ट फेवर में लग रहा है। पहले सॉरी बोल दूँ आपको, आप सारे लोगों को ये टॉप अच्छा नहीं लगता है बट मैंने फिर भी पहन लिया है। और पहनते ही मेरे मदर इन लॉ ने मेरी बहुत तारीफ कर दी, उनको टॉप बहुत अच्छा लगा, ढीला ढाला सा है, कलर डिज़ाइन सब पसंद आया। सोच रहे हो ऐसे ही ले लूँ, डिज़ाइन कलर अलग ले लूँ, ऐसे ही कुछ ले लूँ, क्योंकि पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इतना आप लोगों ने टोका, मैंने इसको शायद एक महीने से पहना ही नहीं, मैंने रख दिया। मैंने कहा लो मैं पहनती ही नहीं हूँ, जबकि मेरा फेवरेट टॉप है ये। सब कह रहे थे नहीं पहना करो, अच्छा नहीं लगता है ये वो, तो मैंने कहा चलो भाई नहीं पहनते हैं, कंफर्टेबल। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मैं वीडियोस तो बनाती हूँ, आई नो मैं यूट्यूबर हूँ, बट जब मैं डेली लाइफ अपनी जी रही हूँ तो उसमें जो कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे ही पहन लेती हूँ, वैसे वीडियो बना लेती हूँ। कुछ भी स्पेशली मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि हाँ स्पेशली ड्रेसअप हूँ, ये करूँ वो करूँ, तो जैसी हूँ वैसी मैं दिखा देती हूँ। बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वाला टॉप रख दिया था, नहीं पहना था, आज काफ़ी दिन बाद पहन रही हूँ, तो प्लीज़ बोलना मत आप ये टॉप डेली पहनते हो। मैं डेली नहीं पहनती हूँ, बहुत दिनों बाद पहना है। कल पोहा बनाया था, आज उपमा बनाया था, बहुत टेस्टी बना था, यम्मी यम्मी। और ये मेरे नन्नू का फेवरेट टैडू है, जिसके बिना नन्नू मेरी सोती तक नहीं है। आज हम लोग एसी में सोए थे बट टचवुड नन्नू ठीक फील कर रही है, दवाई वाई खा रही है वो। ये जो डॉक्टर को दिखा करके लाए थे तो तब से इसको रिलीफ मिल रहा है, फायदा कर रहा है। क्या हो गया? पिज्जा पिज्जा ऑर्डर कर ले, मम्मी पूछे तो मम्मी का पेट था, मम्मी का पेट खराब हो गया है आज, पता नहीं क्या हो गया उनका। उन्होंने कल लस्सी पी थी, सो मैंने बोला भी था एक बार कि लस्सी बाहर की ठीक नहीं, बहुत गाढ़ी गाढ़ी रहती, वही पी के उनका पेट खराब हो गया। ज़्यादा कुछ ना रात में खाया उन्होंने, ना अभी थोड़ा ही सा खाया था। अब बोल रही है कि वो खिचड़ी बना दो, वो वाला छाछ ले आना, मसाला वाला जो उस दिन लेकर के आए थे। बहुत मन है मेरा पीने का, मसाला वाला मठा बहुत यमी लगता है। रो नेशो ना, रोते नहीं गंदी बात। कल ना, कल के ब्लॉग में, मतलब जो आज मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने पूछा था आप लोगों से, वो जो येलो कलर का लिखा था मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा था, तो सारे लोग बताने लगे वो लिखा है पंजाबी में। ये तो पता था पंजाबी है बट मुझे समझ नहीं आ रहा था लिखा क्या, तो सबने बोला ये मित्रा लिखा है, मित्रा मीन्स फ्रेंड, दोस्त, सहेली। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने एक बार पूछा और कितने सारे लोग बताने लगे। सच में बहुत अच्छी वाली फीलिंग दे देते हो कभी आप लोग, सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा। सर में बहुत सारे हैं, मतलब सॉरी मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हो। और आप सारे लोगों को जो मैं पोस्ट कर रही हूँ कम्युनिटी पे वो बहुत पसंद आ रही हैं। वो पोस्ट एक्चुअली कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि आपकी पोस्ट से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि इत्तेफाक तो हो ही जाता है, इतनी बड़ी दुनिया है, कभी कभी सेम कंडीशन तो किसी ना किसी की होगी। सो सब लोग कनेक्ट फील करते हैं पोस्ट से, सबको पसंद आती है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए पोस्ट डालती रहती हूँ, करती रहती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए एक ने मुझसे क्या बोला, ये कल की ही पोस्ट पे उन्होंने मुझसे बोला है,
मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अपना चैनल ओपन कर लूँ मैं। बहुत फनी सा कमेंट है, तनीषा शुक्ला जी ने मुझसे बोला आपके कोट्स में चोरी करके व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लेती हूँ। आप 100 बात की एक बात कहते हो। थैंक यू सो मच डियर। चोरी करना कोशिश से चोरी करना नहीं कहते हैं डियर, चोरी करना तो कुछ और ही होता है। आप चोरी नहीं करते हो, आप बहुत स्वीट हो। चलिए क्या बोली, इसको नहलाओगी? पांडा ये है ना, ये है ना आपका। मेरी मलाई का डब्बा जो फुल हो चुका है, और जब ये इतना फुल हो जाता है इसमें से मैं घी निकाल लेती हूँ, बट आज मुझे बहुत आलस आ रहा घी निकालने में, उसका एक रीज़न है अभी बताती हूँ। एक्चुअली बेटू दूध मांग रही थी, उसको भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले मलाई निकाल लेती हूँ तब मैं उसको दूध देती हूँ। सो इस वजह से मुझे आलस आ रहा है। ये देखिए घी का डब्बा, ये मेरे फादर इन लॉ ने मेरे लिए घी भेजा है वहाँ से, घर से गाँव का शुद्ध देसी घी है ये। सो मुझे बहुत आलस आ रहा है, इतना घी ऑलरेडी से, अब मैं इतना जरा सा घी निकालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो चलिए, बहुत सारा है ना वो, इस वजह से इतना है, इतना फुल हो गया, निकालना तो है, निकालना पड़ेगा। पहले मैं बेटों को दूध दे देती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ। मम्मी और मौसी तो दोनों लोग सो गए एकदम गहरी नींद में। इसको वो दही और मठा ले आओ जा करके, जब तक मैं खिचड़ी बना रही हूँ तब तक वो ले आओ तो सही रहेगा। मौसम बहुत प्यारा वाला हो रहा है, बिजली भी बहुत तेज़ मतलब चमक रही है, गरज रही है, चमक रही है। बट थोड़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ क्योंकि डर तो लगता ही है, बट अच्छा भी लग रहा है, सो देखना भी है, दोनों ही बात है। तो आसमान में बहुत तेज़ बिजली चमक रही है, बारिश हो चुकी है, आंधी आ चुकी है। अच्छा बेस्ट पार्ट ये लगता है ना, जब आंधी आए तो बारिश पहले हो जाए, एटलीस्ट धूल तो ना उड़े, वैसे बहुत गंदगी होती है, धूल वगैरह उड़ती है, सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो बारिश हो गया, सब कुछ एकदम भीग गया, धूल नहीं उड़ रही, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिजली चमक रही है सामने, डर सा लगता है बहुत। और मौसी और मम्मी को जो कल वाली लस्सी है जो उन्होंने पी थी रेस्टोरेंट में, वो बहुत अच्छे से नुकसान कर गई है। सो उन दोनों लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, आज पूरा दिन बस वो दोनों लोग लेट ही रही हैं, पता नहीं क्या हो गया अचानक से, वो लस्सी पीते ही मतलब गैस वगैरह बनने लगी उनकी, फिर उसके बाद बस वो बीमार सी, बीमार मतलब वैसा कुछ बीमार नहीं है, वही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है पेट की और कुछ नहीं है। 6:30 6:30 बज गया। चलिए जी चलते हैं मुँह हाथ धुलने, और उसके पहले पानी पी लेते हैं, प्यास लग रही है। इधर देखिए कपड़े वॉश होने के लिए लगा है, उसका पानी निकल गया। इस वाले उसमें मैं करती हूँ ना, इस ये वाला जो पाइप है इधर लगाती हूँ तो वो पानी प्रेशर से वो पाइप निकल पड़ता है बार बार, तो फिर वो पूरा पानी पूरी बालकनी में ही आ जाता है,
बहुत ठंडा है, थोड़ा मिला लेती हूँ। आज मैं डिनर में बनाऊंगी तोरई आलू की सब्जी। ये एक बहुत हेल्दी सिंपल सी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर भी करूंगी। मैंने ऑयल गरम कर लिया, इसमें मैं थोड़ा सा हींग और जीरा डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। प्याज मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी मसाले में। उसके बाद जो तोरई आलू मैंने काट करके और अच्छे से वॉश करके रखे हैं, इनको मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो आप केवल तोरई की सब्जी भी बना सकते हैं, आलू आप स्किप कर सकते हैं, आलू ना डालें। और ऊपर से मैं डालूंगी स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और नमक। इसको डाल करके अच्छे से मिला लूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा छोटा चम्मच मैंने सब्जी मसाला भी डाला है। और 2 मिनट के लिए सूखी सब्जी को ही अच्छे से फ्राई कर लूंगी, जिससे कि सारे फ्लेवर इस सब्जी में आ जाएं, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। आप चाहें तो ये सूखी सब्जी बिना पानी के भी बना सकते हैं, तो इसमें आप पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपको इस सब्जी में कितनी ग्रेवी चाहिए। कभी कभी मैं रोटी के साथ खाती हूँ और कभी कभी चावल के साथ खाती हूँ, तो फिलहाल आज मैं रोटी के साथ खाऊंगी ये सब्जी, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। एकदम सूखी बनाऊंगी तो अच्छी नहीं लगेगी, एकदम सूखी बनाए तो आप दाल वाल हो तो तब अच्छी लगती है ये सब्जी। इस सब्जी को ढक करके फुल गैस पे 15 मिनट तक बॉयल करना है, उसके बाद ये बन करके रेडी हो जाएगी। और मैं डिनर में सेक रही हूँ रोटियाँ। आप चाहें तो सब्जी के साथ पराठे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बट मैं आज इसके साथ रोटियाँ सेक रही हूँ और मेरा पूरा डिनर बन करके एकदम रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे मैंने इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया है कुछ रीजंस की वजह से। आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।